काशी की बेटियों ने किया काशी का नाम रोशन। संबीम शिक्षण समूह की दो छात्राओं ने सीबीएसई के 12वीं की परीक्षा में टॉप करके बढ़ाया संबीम विद्यालय के कीर्तिमान को। जैसा कि अपने परीक्षा के परिणाम का इंतजार सभी बच्चों को बेसब्री से होता है, ऐसे में एक लंबे इंतजार के बाद आज जब सीबीएसई 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित हुआ तो बच्चों में बेहद हर्षोल्लास छा गया। वहीं संबीम सन सिटी की श्रीप्रिया ओझा और अनुष्का सिन्हा ने 98.4% अंकों के साथ वाराणसी में टॉप किया है। रिजल्ट जारी होने के बाद संबीम भगवानपुर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां टीचर्स के साथ साथ टॉपर्स और उनके माता पिता भी मौजूद रहे। इस दौरान सभी टॉपर्स को माला पहनाकर बधाई दी गई और उन्हें मिठाई खिलाई गई। वाकई में संबीम के छात्रों ने आज अव्वल अंक प्राप्त करके संबीम शिक्षण समूह का परचम लहराया है। वहीं टॉपर्स अनुष्का सिन्हा ने भी मीडिया के सामने अपनी खुशी व्यक्त की और बताया कि मैंने 12वीं की परीक्षा दी है और मैं हमेशा से 4 से 5 घंटे तक पढ़ाई करती थी और इसके साथ ही मेरे माँ बाप और टीचर्स ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है। अन्य बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगी कि पढ़ाई और हर चीज़ को बैलेंस करके चलना चाहिए और कभी भी बोर्ड का प्रेशर ना लें। अपने भविष्य के बारे में बताते हुए अनुष्का ने कहा कि आगे मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगी और उसमें ही अपना करियर बनाऊंगी। मैंने 12th का भी एग्जाम दिया है और मैं ह्यूमैनिटी स्ट्रीम की हूँ। मैं डेली 5 से 6 घंटे पढ़ाई करती थी और फ्रेश मतलब जैसा वर्कलोड होता था उसके हिसाब से टाइम शेड्यूल करती थी। मेरे पेरेंट्स का ऑफ कोर्स, मेरे टीचर्स का और स्कूल का हमेशा से बहुत सपोर्टिव रहे हैं। उनको बस मैं यही कहूँगी कि अपने पढ़ाई और अपनी हर चीज़ को बैलेंस करके चलो, बोर्ड के प्रेशर में मत आओ, एकदम चिल होकर एग्जाम दोगे, एफर्ट्स डालोगे तो ऑफकोर्स यू विल गेट दी अचीवमेंट। आगे मैंने यूपीएससी करना है और आईएफएस ऑफिसर। टॉपर अनुष्का सिन्हा के पिता नीरज सिन्हा ने भी बच्चों के गाइडेंस के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हमारा गाइडेंस यह रहता था कि वह पूरे ध्यान के साथ पढ़ाई करे, टीचर से इंटरेक्शन करे और इसके साथ ही हम बच्चों के शेड्यूल पर भी हमेशा ध्यान देते थे, लेकिन इसके साथ ही हम बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देते थे। आज इस मौके पर मुझे इतनी खुशी हो रही है जिसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। गाइडेंस ये है कि अब जो इनके सब्जेक्ट्स थे वो जो है इन्होंने अपने स्कूल की हेल्प से और जो है पूरी तरीके से जो है टीचर्स के साथ डे टू डे बेसिस पे जो इंट्रैक्शन के साथ जो है सारी चीज़ों को निकाला है और पढ़ने में हमने कभी रोक टोक नहीं की है। जब भी इन्होंने जो है शेड्यूल के ऊपर हम लोग जरूर ध्यान देते थे कि ये क्या कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं किया कभी भी पढ़ाई की। बहुत खुशी है, आज अच्छा लग रहा है आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने हम इस पोजिशन पर है कि हम आपको बोल पा रहे हैं। वही मीडिया से बातचीत के दौरान अपनी खुशी जाहिर करते हुए 12वीं कक्षा के छात्र प्रतीक गुप्ता ने बताया कि इस बार मैंने 12वीं में 97.4% अंक प्राप्त किया है। मेरे पढ़ाई का कोई समय निर्धारित नहीं होता था, लेकिन मैं जितनी देर भी पढ़ाई करता था वह पूरे ध्यान से करता था। मेरे माता पिता और टीचरों ने भी मेरा पूरा साथ दिया है और मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया है। क्लास 12th का बोर्ड्स एग्जाम दिया और मेरा परसेंटेज 97.4 है। मतलब ऐसे कोई फिक्स आर नहीं था, लेकिन ट्रेन में जितना शुरू में सोच के रखते थे उतना कंप्लीट कर लेते। मेरे रिजल्ट के बीच में कई लोग का सपोर्ट है, पेरेंट्स का है, स्कूल सिस्टम का भी है, हमेशा सपोर्ट रहा है, इसी वजह से हेल्प हुए हमको कि ऐसा परसेंटेज ला सकते। कि आगे मेरा मतलब इंजीनियरिंग एग्जाम पे फोकस है तो फ्यूचर में इंजीनियरिंग। वही संबीम शिक्षण समूह के अध्यक्ष दीपक मधोक ने बताया कि अब ट्रेंड में यह चल रहा है कि स्कूल के टॉपर्स से ज़्यादा एवरेज मार्क्स पर ध्यान दिए जाते हैं। अगर बात मैं टॉपर्स की करूं तो संबीम के 2 बच्चों ने टॉप किया है। उन्होंने बताया कि इस बैच के बच्चों के लिए बहुत कठिन था पढ़ाई करना, क्योंकि कोविड के परिस्थिति में यह बैच आया और उन्हें पढ़ाई के लिए सिर्फ 7 से 8 महीने ही मिले और इसके साथ ही संबीम के सभी ब्रांच के बच्चों ने भी अच्छा प्रदर्शन दिया है। उनको मैं बहुत बधाई देता हूँ।
अब जो ट्रेंड चल रहा है वो स्कूलों के टॉपर्स का उतना नहीं है जितना एवरेज मार्क का है। विद्यालय में कितने बच्चे आए और उसमें कितने बच्चों ने टॉप किया वो भी ज़रूरी है, लेकिन एवरेज नंबर कितने बच्चों के आए। जैसे किसी स्कूल का अगर एवरेज 80% है तो इसका मतलब प्रत्येक विद्यार्थी को 80% नंबर मिला होगा उस स्कूल के। इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए तो सनबीम के दो बच्चे जिन्होंने टॉप किया है, एक तो अनुष्का सिंह है और एक सनसिटी की बॉर्डर है, तो इन दोनों बच्चों का ने 98.4% इनका आया है। बहुत कठिन था इस बैच में खासकर क्योंकि ये कोविड के दौरान क्लास 10th का एग्ज़ाम इनका नहीं हुआ था और इनके रिजल्ट भी अगस्त में आए थे। इनका इनफैक्ट क्लास 11th इनका अगस्त 2021 में हुआ था 2021 में, और इन्होंने मात्र 8 महीने की और 6 महीने की पढ़ाई की थी उस समय क्लास 11th। इन बच्चों का विशेष योगदान था, बड़ी कठिन परिस्थितियों में कोविड की परिस्थितियों में ये बैच आया है, इसलिए इन सभी बच्चों को सभी पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाइयाँ। सही माने में कहा गया है कि किसी भी देश का भविष्य या समाज का भविष्य उसके क्लासरूम्स में बनता है और ये इतना महत्वपूर्ण है, क्लासेस में क्या पढ़ाई हो रही है इसको देखना, बच्चे कैसा कर रहे हैं उसका रिजल्ट देखना, उसके लिए हम लोग सब कटिबद्ध रहते हैं। सनबीम के सभी शाखाओं के बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, सबको बहुत बहुत बधाई है, सभी पेरेंट्स को बहुत बधाई। जी हाँ, 98.4% से दोनों बच्चियाँ वाराणसी की टॉपर्स हैं और अभी तक जो हमारे पास सूचना है इसके ऊपर कोई नहीं है। 98.4%।